हेलो फ्रेंड्स, मेक मी प्योर में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। कहते हैं कि हर काम को करने के लिए अपने अंदर के आत्मविश्वास या फिर मोटिवेशन की जरूरत होती है। आप पैसा कमाना चाहते हैं, अच्छी लड़की से शादी करना चाहते हैं, अपने परिवार को हर तरह की सुख सुविधा देना चाहते हैं, इंटरव्यू में कामयाब होना चाहते हैं, बाहर किसी और देश में जाकर सेटल होना चाहते हैं, जो कुछ भी चाहते हैं उसके लिए मोटिवेशन की, संपूर्ण आत्मविश्वास की जरूरत होती है। ये मोटिवेशन अगर हमारी जिंदगी में है तो हम शिखर को छू सकते हैं, अन्यथा हम कुछ भी नहीं कर सकते। अपने पैरों पे खड़े होने के लिए भी ये आत्मविश्वास बहुत आवश्यक है। अब प्रश्न उठता है कि अपने आप को हम हमेशा मोटिवेटेड कैसे रखें। सो फ्रेंड्स, इंसान को कोई भी काम करने के लिए मोटिवेशन की जरूरत होती है, क्योंकि बिना मोटिवेशन के हमारा कॉन्फिडेंस लूज होने लगता है। और इसी कॉन्फिडेंस को बनाए रखने के लिए अक्सर हम मोटिवेशनल वीडियोस देखते हैं या कोई ऐसी ही बुक्स पढ़ने लगते हैं, जिससे कि जान पाए कि हम अपना कॉन्फिडेंस लेवल कैसे बनाए रखें या खुद को मोटिवेट कैसे रखें। लेकिन जैसा कि आप भी जानते हैं कि थोड़े समय के लिए तो हम कॉन्फिडेंस से भर जाते हैं, लेकिन जैसे जैसे समय गुजरता है हमारा मोटिवेशन जैसे गायब होने लगता है, यानी मोटिवेशन का गुब्बारा फुस हो जाता है। इसके बाद हम फिर से मोटिवेशनल वीडियो देखने लग जाते हैं और इस प्रकार से ही हमारा समय गुजरता चला जाता है। तो अब सवाल आता है कि हमेशा खुद को मोटिवेट कैसे रखें, ताकि बार बार मोटिवेशनल वीडियो देखने से हमारा समय खराब ना हो और हम हमेशा एनर्जेटिक महसूस करें। इसके लिए आपको कुछ जरूरी बातें ध्यान में रखनी होंगी, और आज इस वीडियो के माध्यम से मैं आपको कुछ ऐसी ही सदाबहार उपाय बताने वाला हूं जो हमेशा आपका मोटिवेशन बनाए रखने में मदद करेंगे। इसके लिए आप ये वीडियो शुरू से लेकर अंत तक पूरा जरूर देखें। तो आइए अब विस्तार से जानते हैं कि खुद को मोटिवेट कैसे रखें। सबसे पहले, मोटिवेटेड रहने के लिए खुद पर भरोसा करना बहुत जरूरी है। आप चाहे जितने मोटिवेशनल वीडियोस देख लें, जब तक आपको खुद पर यकीन नहीं होगा तब तक कभी भी आपके अंदर असली वाला कॉन्फिडेंस नहीं आएगा। ऐसा मैं इसलिए बोल रहा हूं क्योंकि दूसरों से ज्यादा आसान है खुद पर यकीन करना। इसलिए पहले आपको खुद पर ही भरोसा करना सीखना होगा कि हाँ, इस काम को मैं कर सकता हूं, वो भी पूरे आत्मविश्वास, पूरे कॉन्फिडेंस के साथ। आप चाहे जितने भी सफलतम लोगों के बारे में बात करें तो आप पाएंगे कि एक बात उन सभी में कॉमन है और वो है सेल्फ कॉन्फिडेंस, यानी कि आत्मविश्वास। सेल्फ कॉन्फिडेंस वाले लोगों को किसी भी तरह के बाहरी मोटिवेशन की कोई जरूरत नहीं होती है। उनके अंदर आत्मविश्वास कूट कूट कर भरा होता है, इसलिए वे हमेशा एनर्जेटिक महसूस करते हैं। तो चलिए, अभी हमने बात की खुद पर भरोसा करने की, इससे आगे बात करते हैं नेगेटिव विचारधारा वाले लोगों से दूर रहने के बारे में। आप उतने ही जल्दी सफल होंगे जितने ज्यादा पॉजिटिव विचारधारा वाले लोग आपके आसपास रहेंगे, क्योंकि ऐसे लोग आपके आसपास एक ऐसा वातावरण, एक ऐसा एनवायरनमेंट बना देते हैं जिससे आप हमेशा खुश रहते हैं और हमेशा अच्छा ही सोचते हैं। और इसके ठीक उलट, ठीक विपरीत, कुछ ऐसे व्यक्ति भी होते हैं जो बात बात पे आपको ये बोलेंगे कि ये काम तुम क्यों कर रहे हो, इसमें तो आज तक कोई भी सफल नहीं हो पाया है, तो फिर तुम क्यों इसमें अपना समय बर्बाद कर रहे हो। इसलिए मेरे प्रिय मित्रों, आप भी ऐसे नेगेटिव लोगों को पहचानो और जितना ज्यादा हो सके ऐसे लोगों से कम ही बात करो और किसी न किसी बहाने से उनसे दूर जाने की कोशिश करो। तो चलिए आगे बढ़ते हैं और अब हम बात करते हैं अगले उपाय के बारे में। अगला उपाय है कि आपको एक गोल डिसाइड करना है और उसी पे फोकस करना है। आपने महाभारत में अर्जुन का वो किस्सा तो सुना ही होगा जिसमें अर्जुन भरी सभा में मछली की परछाई देखकर उसकी आंख पे तीर से निशाना लगाते हैं। आखिर अर्जुन ऐसा कैसे कर पाए?
तो इसका जवाब है अपने असली गोल पे फोकस करके। यानी कि अर्जुन को मालूम था कि उसे पूरी मछली दिखाई दे रही है, लेकिन उसे तो सिर्फ मछली की आंख को ही अपने तीर से भेदना था, तभी द्रौपदी से उसका विवाह हो पाएगा। तो यानी कि उसे उसका गोल मालूम था और वो उसी पे फोकस कर रहा था। खुद को मोटिवेट कैसे रखें हमारा ये भी जानना बहुत जरूरी है। तो माय डियर फ्रेंड्स, इसलिए आप भी अपनी लाइफ में अर्जुन की तरह एक गोल निर्धारित करें और सिर्फ उसी के लिए काम करें। अगर आपका गोल बड़ा है तो उसे कई टुकड़ों में बांट लें और एक एक करके उन्हें पूरा करते जाएं। फिर देखना आपके सभी छोटे छोटे टारगेट्स पूरे होने लगेंगे और अंततः आप अपने मुख्य टारगेट को भी प्राप्त कर लेंगे। तो चलिए अब बात करते हैं बहुत ही महत्वपूर्ण उपाय के बारे में, और यह सिर्फ सोचना नहीं है, काम भी शुरू करना है। कई लोगों की आदत होती है कि वो अपने लिए बहुत बड़े बड़े सपने देखते हैं और मन ही मन पूरा प्लान भी बना लेते हैं, हमेशा उसी के बारे में सोचते रहते हैं, लेकिन उसके लिए कभी काम करना शुरू भी नहीं करते। कभी कभी तो वो इतना ज्यादा सोच विचार करते हैं कि उन्हें लगता है कि यार ये काम तो बहुत मुश्किल है, इससे तो ये मुश्किल आएगी और वो मुश्किल आएगी, इसके लिए तो बहुत मेहनत लगेगी, बहुत कुछ ऐसा सोचते हैं। इस प्रकार ज्यादा सोचने की वजह से मन ही मन में उनका पूरा प्लान जो है वो ठप पड़ने लगता है और फिर वे उस काम को छोड़कर कुछ नया प्लान बनाने लग जाते हैं और एक बार फिर वही विचारों का महासंग्राम शुरू हो जाता है। देखिए, उपाय तो और भी बहुत से हैं, पर समय को देखते हुए उन पे हम अपने अगले वीडियो में बात करेंगे। तो चलिए आज के वीडियो में इतना ही। आपका हमारे साथ जुड़े रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, और जो हमसे अभी तक जुड़े ना हो वो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। इसके अलावा अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया हो और लाभप्रद लगा हो तो आप हमारे वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें। सो थैंक यू वेरी मच फॉर गोइंग थ्रू दिस वीडियो। स्टे हैप्पी, स्टे ब्लेस्ड, स्टे सेफ, हैव अ नाइस डे अहेड। टेक केयर, गुड बाय।